अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू कवायद की टीचर। आइए देखिए उर्दू कवायद में हैश 63 में हमें क्या काम करना है। उर्दू कवायद में हैश 63 में हमें करना है सफ़ा नंबर 27 और 28 और कारकर्दगी। क्या करना है? सफ़ा नंबर 27, 28 और कारकर्दगी करनी है, ठीक है। और घर के काम में हमें करना है सफ़ा नंबर 29, याद करना है। सफ़ा नंबर 29 आपको याद करना है, ठीक है। आइए देखिए सफ़ा नंबर 27 और 28 में क्या काम है। यह है सफ़ा नंबर 27 और यह है सफ़ा नंबर 28, ठीक है। सफ़ा नंबर 27 में हमें गिनती करनी, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है इसको अंग्रेज़ी में लिखना अलिफ से एक तक 10 तक गिनती है। इसकी पढ़ाई करवा दूँगी मैं आपको, पहले करवा चुके हैं हम ये सब। उर्दू में ये गिनती इस तरह से लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, ये हिंसों में लिखी हुई है और ये लफ्ज़ों में गिनती लिखी हुई है। अंग्रेज़ी हिंसों में और ये लफ्ज़ों में, और इसकी जितने जो नंबर गिनती लिखी हुई उस हिसाब से यहाँ तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ इसकी पढ़ाई करवा दिया, नेक्स्ट पेज पे आइए। इसमें आपको ये गिनती लिखी हुई है उसको मैच करना है। यह काम हमारा सब मुकम्मल है, लेकिन इसका रिविज़न कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं। उर्दू में हिंसों की दुरुस्त तलफ़ुज़ से मिलाइए, यानी दुरुस्त लफ्ज़ों से मिलाइए, एक को एक से मिला दे। ये काम हमारा मुकम्मल हो चुका है, यानी कि हिंसों को लफ्ज़ों से मिलाना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें गिनती मुकम्मल करनी है, यानी कि ये कुछ लिखे हुए कुछ अल्फाज और कुछ लफ्ज़ नहीं लिखे हुए गिनती के, तो हमें वो मुकम्मल करना है। एक लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आइए हम इसकी कारकर्दगी करते हैं। ये कारकर्दगी है, कारकर्दगी ये कारदगी लफ्ज़ों में गिनती लिखिए और तस्वीर बनाइए। अब हमारे पास लफ्ज़ों में गिनती लिखी हुई है, यह हिंसों में लिखी हुई है, हमें लफ्ज़ों में लिखनी है। 1, 2, 3 जो ये 10 तक पूरी गिनती आपके पास लिखी हुई है, इसको लफ्ज़ों में लिखनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिए एक, और इसकी एक तस्वीर बना दिए। इसी तरह से आप 2, 3 उनको लफ्ज़ों में लिखेंगे और इनकी उसी हिसाब से उसकी तस्वीर बनाते जाएंगे, ठीक है। एक ये कारकर्दगी आपको करनी है और दूसरी कारकर्दगी है ये गिनती की, हिंसों की लफ्ज़ों में और लफ्ज़ों की हिंसों में गिनती लिखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 को आपको उसमें लिखना है हिंसों में, और जहाँ हिंसों में लिखा हुआ है आपको लिखना है 4 को लफ्ज़ों में। जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ, 3 जैसे आपने इतनी बार किया हुआ, आपको ये 4 लिखा हुआ है, 4 को आपको लफ्ज़ों में लिखना है। ये कारकर्दगी आप आराम से कर लेंगे। ये मुकम्मल करने के बाद आपको घर का काम है और सफ़र 29 याद करना है। उम्मीद आपको काम समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।